जैसे आपका टेस्ट है आज चैप्टर नंबर 12 का। देखो चैप्टर नंबर 12 हमने पूरा फिनिश कर दिया, इसकी रिवीजन भी हो गई है, सभी प्रैक्टिस जोन आंसर्स भी कंप्लीट है। ओके, तो आपका टेस्ट है, अगर आपकी कोई डाउट है इस चैप्टर नंबर 12 से तो हम वो क्लियर कर सकते हैं। ओके, रिगार्डिंग एनी टॉपिक एनी क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 12 वर्किंग ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट। यस सर। ओके, आपको कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं। यूनियन टेरिटरीज। ओके, यूनियन टेरिटरीज। ओके, अनदर टॉपिक। नो सर, द स्टेट जुडिशरी। व्हिच वन? स्टेट जुडिशरी। यस सर। द पावर फंक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। पावर्स एंड powers and function of okay, okay, one by one discuss कर लेते हैं ऐसे। ओके, देखो सबसे पहले बात करते हैं स्टेट जुडिशियरी की। ओके, सबसे पहले बात करेंगे स्टेट जुडिशियरी की। ओके, देखो सबसे पहले ये बात है कि हर स्टेट में, एक गवर्नमेंट अच्छे से रन करती है, जो पीपल्स के वेलफेयर के लिए वर्क करती है। ओके, वैसे ही हर स्टेट में एक कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया है। ओके, कोर्ट क्यों एस्टेब्लिश किया गया है? ताकि अगर किसी के बीच में कोई पर्सन या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसे सॉल्व कौन करेगा? ओके, जैसे कि मान लो एग्जांपल ले लें, अगर बाहर कोई 2% अगर आपस में फाइट करना स्टार्ट कर दें, ओके, तो उनको उनके जो डिस्प्यूट हो रहा है उसको कौन उसे बाहर निकालेगा? ओके, कौन उनके जो कॉन्फ्लिक्ट को दूर करेगा? तो ये इसके लिए कोर्ट एस्टेब्लिश किए गए हैं। ओके, तो कोर्ट जो एस्टेब्लिश किए गए हैं वो हर थिंग के लिए किए गए हैं।
ओके अगर लॉ में कोई डिस्प्यूट है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है पर्संस के बीच में, अगर स्टेट के बीच में या यूनियन टेरिटरीज के बीच में, ओके तो वहां पे आप कोर्ट जा सकते हैं और वहां से आप अपने जो आपके कॉन्फ्लिक्ट है आप उन्हें दूर कर सकते हैं। ओके अब हम देखते हैं कि स्टेट जुडिशरी, देखो हर स्टेट में एक कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया जिसे कहते हैं हाई कोर्ट। ओके हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट। ओके जैसे बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, ओके तो हिमाचल प्रदेश में भी कोर्ट हाई कोर्ट है, ओके शिमला में ही ये कोर्ट, ओके जिसे हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश कहते हैं। ओके अब इस कोर्ट में क्या है कि इस कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होता है, ओके जो कि स्टेट का चीफ जस्टिस होगा उस हाई कोर्ट का, ओके एंड अदर जजेस होंगे। ओके तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जज वर्क करते हैं, बहुत सारे जजेस उसमें वर्क करते हैं। ओके एक चीफ जस्टिस होता है उसमें और बाकी अदर जजेस होते हैं। ओके फिर धीरे धीरे प्रमोशन के बाद से वो चीफ जस्टिस बनते रहते हैं धीरे धीरे। ओके तो आपने याद रखना है इसमें कि हर स्टेट में एक हाई कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया है, ओके और हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होता है एंड अदर जजेस। ओके बात करते हैं जजेस की, तो जजेस को कौन अपॉइंट करता है? ओके सो दीज जजेस आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन सभी जजेस को अपॉइंट करता है। ओके ओके तो इसमें याद रखना कि चीफ जस्टिस को भी एंड अदर जजेस को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके साथ में वो कंसल्टेंस भी लेता है वो, ओके कंसल्ट भी करता है, किस किस को कंसल्ट करता है वो? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। ओके जिस स्टेट के अगर किसी पर्सन को अगर जज अपॉइंट कर रहे हैं तो उस स्टेट के गवर्नर एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके ये तीनों पर्सन मिलके आपस में किसी एक जज को अपॉइंट करेंगे। ओके तो जज भी ऐसे अपॉइंट नहीं होते, उसके लिए भी क्वालिफिकेशन होती है। ओके तो हर स्टेट में एक हाई कोर्ट एस्टैब्लिश होता है, वहां पे एक चीफ जस्टिस होता है, ओके एंड अदर जजेस होते हैं। उन जजेस को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विद कंसल्टेंस विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। ओके उसके बाद आपने बात की टॉपिक की यूनियन टेरिटरीज। ओके तो यूनियन टेरिटरीज क्या होती है? यूनियन टेरिटरीज साइज में एक तो एरियाज में तो काफी स्मॉल होती है और पॉपुलेशन इनकी काफी कम होती है। ओके तो बात करें इंडियन कंट्री की, तो इंडियन कंट्री में जो यूनियन टेरिटरीज है वो 9 यूनियन टेरिटरीज है। अभी 2 न्यूली फॉर्म हुई है, ओके और बस 9 यूनियन टेरिटरीज है, 2 न्यूली फॉर्म हुई है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ओके पहले 7 थी लेकिन अब 9 है। ओके तो ये जो यूनियन टेरिटरीज होती है इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है, जो गवर्नमेंट है इसके अंडर में होती है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो इनका देख रेख करती है। ओके एक्सेप्ट सिर्फ 2-3 यूनियन टेरिटरीज को। ओके एक दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, वहां पे अपनी सेल्फ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की जाती है, वहां पे इलेक्शंस होते हैं जैसे अरविंद केजरीवाल, तो वो दिल्ली यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर हैं। वहां पे सेल्फ गवर्नमेंट है, वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी एस्टेब्लिश है वहां। ओके और वैसे ही पॉन्डिचेरी में वहां पे भी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की गई, मींस कि वहां से पर्सन इलेक्ट होकर पार्लियामेंट में सीट करते हैं। ओके इन यूनियन टेरिटरीज दिल्ली एंड पौंडीचेरी एंड ऑल्सो लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। ओके अब जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख भी है, वहां से भी उनकी अपनी सेल्फ गवर्नमेंट है और यहाँ से पर्सन इलेक्ट होकर पार्लियामेंट में सिट करते हैं। ओके अब बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज को कौन रूल करता है। ओके कौन इस यूनियन टेरिटरीज का हेड होता है? ओके तो इन यूनियन टेरिटरीज के जो हेड होते हैं, एक तो उन्हें गवर्नर कहते हैं और चीफ कमिश्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर। यूनियन टेरिटरी जितनी भी ये हेड होते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, उन्हें कहते हैं या तो गवर्नर होगा, ओके या फिर चीफ कमिश्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर। ओके लेकिन बात करेंगे जब दिल्ली की, ओके जब बात करेंगे दिल्ली की यूनियन टेरिटरी है तो दिल्ली में चीफ मिनिस्टर है, ओके हेड ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नर भी प्रेजेंट है दिल्ली में, लेकिन वहां पे जैसे फुली फ्लेज स्टेट वर्क करता है वैसे दिल्ली भी वर्क करता है। ओके जैसे हर स्टेट में चीफ मिनिस्टर होता है एंड गवर्नर होता है, वैसे दिल्ली यूनियन टेरिटरीज में चीफ मिनिस्टर भी है एंड गवर्नर भी है। ओके दिल्ली में ही क्यों है ऐसा? क्योंकि दिल्ली जो है इंडियन कंट्री की कैपिटल है एंड ऑल्सो नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ इंडिया। ओके तो बाकी जितनी भी यूनियन टेरिटरीज है वहां के जो हेड होते हैं चीफ कमिश्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर।
ओके, और किसी किसी यूनियन टेरिटरीज के जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर होते हैं वो भी होते हैं, ओके, जिन्हें हम कहते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर। ओके, मैक्सिमम फोर टेरिटरीज के तो अपॉइंट करते हैं। ओके, ओके, क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? यस सर, यस सर, यस सर। आपने ये भी बात याद रखनी है, ओके, मैं एक लाइन मिस कर गया हूँ, जैसे दिल्ली एंड पांडिचेरी की जब बात की मैंने, जम्मू एंड कश्मीर, अगर यहाँ पे सेल्फ गवर्नमेंट है, यहाँ से पर्सन इलेक्ट होकर पार्लियामेंट में सीट करते हैं, तो साथ में ही अंडमान एंड निकोबार आईलैंड, ओके, ये मैंने छोड़ दिया था, तो अंडमान एंड निकोबार आईलैंड से भी पर्सन इलेक्ट होकर पार्लियामेंट में सीट करते हैं और वहां पे उनकी अपनी गवर्नमेंट चलती है। ओके, यहाँ पे दिल्ली पांडिचेरी एंड अंडमान निकोबार यहाँ पे गवर्नर है, ओके, और यहाँ से पर्सन इलेक्ट होके यूनियन पार्लियामेंट में सीट करते हैं। ओके, और उसके बाद आपने बात की पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। ओके, देखो सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है कि चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कैसे करता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि किसी भी स्टेट में किसी एरिया में इलेक्शन हो रहे हैं, ओके, उनकी कंस्टिट्यूएंसी जितनी भी है वहां पे जो मेजोरिटी पार्टी में विन करेगी वहां से उनके मेंबर्स इलेक्ट होके एमएलए बनेंगे, एमएलए की फुल फॉर्म मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, उसके बाद जो मेजोरिटी पार्टी होगी वापस में अपना लीडर अपॉइंट करेगी, उसे चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करेगी। ओके, जब चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कर लेगी वो मेजोरिटी पार्टी, तो चीफ मिनिस्टर अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेगा। ओके, जो अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे चीफ मिनिस्टर उन्हें अपॉइंट करेगा। ओके, अब देखते हैं कि चीफ मिनिस्टर की क्या क्या पावर्स हैं। ओके, देखो चीफ मिनिस्टर एक तो पूरे स्टेट का हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा। ओके, जैसे प्राइम मिनिस्टर पूरे इंडियन कंट्री का हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, वैसे चीफ मिनिस्टर उस स्टेट का, जिस स्टेट का चीफ मिनिस्टर है वहां का हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा। ओके, और साथ ही साथ में जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे सब उसके अंडर में ही अंडर में आएंगे। ओके, जितने भी डिपार्टमेंट्स का जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होगा, जितने भी ऑफिसर्स होंगे, मिनिस्टर्स होंगे, चाहे आईएएस होंगे, जितने भी ऑफिसर्स होंगे, जितना भी वर्क होगा सभी चीफ मिनिस्टर के अंडर में ही आएगा। ओके, तो चीफ मिनिस्टर इज द ऑफिशियल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड सुपरवाइज द एंटायर वर्क ऑफ इज हर स्टेट। ओके, तो चीफ मिनिस्टर अपने स्टेट के जितना भी एंटायर वर्क है सभी को सुपरवाइज करता है वो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है, उसके बाद नेक्स्ट है कि जैसे चीफ मिनिस्टर अगर अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है, ओके, अगर वो अपॉइंट कर सकता है किसी मिनिस्टर्स को तो उनकी रेजिग्नेशन भी ले सकता है वो। ओके, उन्हें वो डिसमिस भी कर देता है, उन्हें कह सकता है कि आप अपना रेजिग्नेशन मुझे दें। ओके, किस बेसिस पे? अगर उसे लगता है कि वर्क अच्छे से नहीं कर रहा है। ओके, साथ ही साथ में चीफ मिनिस्टर की और क्या पावर्स हैं कि जो कैबिनेट होती है, ओके, तो कैबिनेट का वो हेड होता है, जब भी कैबिनेट की मीटिंग होती है तो वो इसको समझ करता है। ओके, अब बात करते हैं अदर मिनिस्टर्स की। तो अदर मिनिस्टर्स हर डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। ओके, तो जितने भी डिपार्टमेंट का जो वर्क होता है, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मिनिस्टर्स एचआरडीसी डिपार्टमेंट के, जिसको रोड ट्रांसपोर्ट कहते हैं, ओके, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, पंचायती राज, ओके, इंडस्ट्रियल टाउन कंट्री प्लानिंग, बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, ओके, जो कि अपने अपने डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन वर्क को, एंटायर वर्क को सुपरवाइज करते हैं। ओके, सबसे पहले चीफ मिनिस्टर होगा, उसके बाद मिनिस्टर होगा, फिर हाँ, और किसी और टॉपिक पे डाउट है आपको? नो सर। ओके, ओके, देखो एक चीज आपको मैंने बतानी थी। ओके, मुझे लगता है कि आप लोग शायद भूल गए होंगे, इसी चैप्टर में आपको एक टॉपिक है, पेज नंबर 114 मिल गया। ओके, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, ये पहले हमने अच्छे से डिस्कस किया था। ओके, में याद रखना है लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल में, अगर मान लेते हैं कि अगर आपको दोनों में डिफरेंट आ जाता है, ओके, मान लो कि अगर आपको क्वेश्चन आया, लेट अस सपोज आपको क्वेश्चन आया डिफरेंस बिटवीन लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, डिफरेंस कर सकते हैं, आपके बुक में क्वेश्चन भी आएंगे। ओके, आप इसे इजिली कर सकते हैं, इसे
देखो सबसे पहले आपने किस तरह से याद रखना है इसमें डिफरेंस, सबसे पहले तो आप ये जान कर सकते हैं कि कौन कौन से पर्सन अपॉइंट होते हैं. ओके, एक तो पर्सन डायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं, एक इनडायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं. ओके, एक में एज चाहिए 30 इयर्स और एक में एज चाहिए 25 इयर्स. ओके, एक 5 इयर्स तक वर्क करते हैं, एक को हम परमानेंट हाउस कहते हैं और एक को हम अनपरमानेंट हाउस कहते हैं. मीन्स कि उसके जो मेंबर्स हैं वो हर 2 इयर्स के बाद वन बाय थर्ड रिटायर होते हैं. ओके, काउंसिल के क्लियर है. तीन डिफरेंस तो मैंने आपको ये बता दी. और लेजिस्लेटिव असेंबली को स्पीकर प्रिसाइड करता है सेशन को और उसमें चेयरमैन करता है. ओके, एमपी चेयरमैन. ओके, यस सर. ओके, अब किसी और टॉपिक पे डाउट है आपको? एक्सक्यूज मी सर. हाँ यस सर, द शोरियोगेशन ना स्कूल में सब पिछले सिलेबस का कैसे करें सर? व्हाट डिड यू से, क्या कह रहे हैं आप सर? हम तो नए है सर स्कूल में, तो आप पिछले सिलेबस का कैसे करें कंप्लीट? बेटा योर नेम, आपका नाम क्या पहले? दक्ष शौर्योगेश. शौर्या, दक्ष और योगेश सर, इसका दक्ष है सर, मेरा योगेश है. ओके, योगेश एंड ओके. देखो बेटा सबसे पहली बात तो ये है, ओके, आप सभी को आपकी लॉगिन आईडी और आपको ओटीपी मिला होगा आप सभी को ही. ओके, आपने ऐप में लॉगिन करके आप वहां पे देख सकते हैं कि सभी टीचर्स हैं वहां पे, वर्क मैंने इसमें कंप्लीट किया है. ओके, तो आप वहां से जो भी आपके चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर है वो आप वहां से देख के आप उनको होमवर्क अपना कर सकते हैं. ओके, पहली बात आपके जो डाउट्स हैं. ओके, तो जहां तक मेरी बात रही तो आपके जो डाउट्स हैं जैसे इस चैप्टर हमने डिस्कस किया चैप्टर नंबर 12. ओके, अगर आपको कोई इसमें डाउट है तो बता सकते हैं और जो अदर चैप्टर्स में आपके डाउट है. ओके, तो वन बाय वन हम धीरे धीरे डिस्कस कर लेंगे और आप मुझे फोन भी कर सकते हैं कि सर मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा है इस चैप्टर से, मैं आपको वहीं पे आपको डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं. क्लियर है दोनों को? अगर आपको किसी भी टॉपिक में या किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है, ओके, तो मेरा नंबर है, मैंने बताया स्टूडेंट्स को. ओके, आप मुझे वहां पे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे और मुझे कॉल कर सकते हैं. ओके, तो आपकी जो भी क्वेरी होगी वो मैक्सिमम जो सभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी. ओके, अगर आपको कोई भी डाउट आती है. ओके, लेकिन एटलीस्ट ये है कि करना पड़ेगा. ओके, आपको स्टडी स्टार्ट करनी पड़ेगी क्योंकि अब मैं सिर्फ कोई भी टीचर देख गया तो स्टूडेंट्स को आप टीच नहीं करेंगे अलग से. ओके, हाँ ये हो सकता है कि जब हमारा जैसे अभी हम अभी चैप्टर पे पहुंचे. ओके, तो आई थिंक मैंने अभी एक चैप्टर और कंप्लीट करना है, उसके बाद जो चैप्टर्स है उसके हम सभी रिविजन करेंगे हम. ओके, तो जैसे भी हर टेस्ट होता है वीकली टेस्ट होते हैं, तो हर वीकली टेस्ट में जैसे आज हम रिविजन कर रहे हैं चैप्टर की, तो हर वीक में हम उस चैप्टर की रिविजन करते हैं. ओके, अगर आपको उसमें कोई डाउट आता है तो आप वहां भी पूछ सकते हैं हर वीक में. ओके, हाँ. So, किसी और टॉपिक में डाउट है आपको स्टूडेंट्स? कोई डाउट नहीं है? ओके, तो मैं आपसे क्वेश्चन आज करना स्टार्ट करता हूँ. ओके, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द क्वालिफिकेशंस फॉर एमएलए? एमएलए अगर किसी पर्सन को इलेक्ट होना है तो उसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए? ओके, इसका आंसर मुझे बताएंगे सबसे पहले प्रिया, उसके बाद प्रीति. यस सर, मस्ट बी सिटीजंस ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया. हाँ प्रिया, हाँ बस फर्स्ट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. ओके सर, शुड नॉट बी अ क्वेश्चन. हाँ मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड शुड नॉट होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. ओके, मस्ट नॉट होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. और थर्ड वन सर, मस्ट नॉट बी लेस 35 इयर्स ऑफ लेस देन. ओके, और should have no criminal record. Okay, should have no criminal record and should not be less than of 25 years old, please. Okay, Priti. Priti, what are the qualifications for MLA to become an MLA? Sir, must be a citizen of India. Sir, must be a citizen of India. Must be a less than must.
not be a less than 25 years old ago should not have criminal report. There should not be mentally sound, should not help an office of. Okay, Priti, okay. Next is Sajal. They do 95. Yes, sir. Same question. Sir, must be a citizen of India, should not hold an office of profit, should be mentally sound, should not be less than 25 years. Okay. Aryan or Aryan? Sir, Aryan. Okay, Aryan. Yes, answer. So, sir, must be a citizen. Okay. Sir, must be a citizen of India, must not be less than 35 year of age, must not hold any office of profit. Okay. Next student is Rohani. रोहानी, आपका मैंने टेस्ट चेक किया है, आपके बहुत कम मार्क्स हैं रोहानी। कहाँ गई रोहानी? लेफ्ट कर दी क्लास? सर का नाइटल। ओके शर्नब, आपके लिए अलग क्वेश्चन है। यस सर। ओके शर्नब, आपने अलग क्वेश्चन का आंसर देना। ओके, आपके लिए क्वेश्चन है शर्नब। शर्नब, आई एम अवेलेबल टू यू? यस सर। हाँ, आपके लिए क्वेश्चन है, आपने मुझे क्वेश्चन का आंसर देना है। ओके, क्वालिफिकेशंस फॉर बिकम अ गवर्नर। यस सर। अभी एमएलए की बताई। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बिकमिंग गवर्नर, मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, मस्ट नॉट बी लेस देन 35 इयर्स ऑफ एज, शुड नॉट होल्ड मस्ट नॉट बी ए मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, okay, next is Akshita. Yes sir. हाँ अक्षिता, आपने बताना है criteria for becoming a governor. Yes sir. First, must be a citizen of India. Second, must be less than 35 years of age. C, must not hold any office of profit. Akshita, must not be less than 35 years of age. Not be आएगा साथ में, okay? Yes. C, must not hold any office of profit. D, must not be a member of a state legislator or union parliament. Okay, very good. Okay. Our next student is Pratyush. Yes sir. हाँ प्रत्युष, आपने पेपर, आपने जो एग्जाम दिया है मेरे पास, एग्जाम क्या वो अच्छा नहीं था एग्जाम प्रत्युष? मुझे लगा आपके बहुत अच्छे मार्क्स होंगे, आपके मार्क्स कम ही हैं आपके। हाँ ओके प्रत्युष, आंसर क्राइटेरिया फॉर बिकमिंग अ गवर्नर, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, मस्ट बी लेस देन इयर्स 35 इयर्स, so must be office profit. ठीक है, okay, आगे बस इतने ही है।
Okay, next is Shivam Singh Rajput. Yes, sir. Shivam Singh Rajput. अपना कैमरा ऑन करेंगे पहले. ओके, आपके लिए थोड़ा सा अलग से डिफरेंट क्वेश्चन है. ओके, शिवम सिंह राजपूत, आपने मुझे शिवम सिंह राजपूत फुल फॉर्म ऑफ एमएलए, एमएलए की फुल फॉर्म सब क्या कैंटल सर, चेजल कैंटल. शिवम सिंह राजपूत, शिवम सर. ओके, नेक्स्ट शिवम. जस्ट अ सेकंड. यस सर. हाँ शिवम, आंसर. शिवम आपने आंसर नहीं किया अभी तक. शिवम जस्ट से यस और नो. नो सर. ओके, आपको आनी चाहिए ये. ओके, हाँ नेक्स्ट इज वंशिका. यस सर. वंशिका फुल फॉर्म ऑफ एमएलए. व्हाट सर, एमएलए member legislative member of legislative assembly. Okay, good. Okay, next is Kriti 1251. Kriti. Yes sir. Kriti, आपने मुझे क्वेश्चन, आपके लिए क्वेश्चन है. ओके, आपने मुझे बताने हैं थ्री ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. ओके, व्हाट आर द नेम द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, थ्री ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. नॉट ऑटी सिद्धि, आंसर नहीं आता है आपको. आवाज नहीं आ रही थी. ओके, मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ. थ्री ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. रिपीट अगेन. आपने फोन कहाँ पे अपने रखा है कृति? यस कृति, आपका फोन क्यों नहीं, आप आपकी स्क्रीन क्यों नहीं विजिबल है? ओके योगेश. यस बहुत योगेश 3313. हाँ आपके साथ सर है सेम. यस सर, ये मेरा कजन ब्रदर है. ओके सेम क्लास. यस सर. हाँ ओके, आप दोनों ने रेगुलरली क्लास अटेंड करनी है. यस सर. आज का जो टेस्ट है आज के आपने देने हैं, आपकी ऐप में टेस्ट आएगा. ओके, अगर आपको कोई भी डाउट है. कितने बजे आएगा? हाँ टेस्ट में आपका उसकी टाइमिंग 4 to 8 PM. ओके, शाम को 4 to 8 PM तक आपकी जो ऐप है उसी में टेस्ट आएगा, आपको उसी में देना है. ओके यस सर. अगर आपने दोनों ने टेस्ट देना है, एक ही फोन है दोनों के पास, ये अलग अलग मोबाइल. सर मेरी आईडी मिल जाएगी, सर कल मिल जाएगी सर मेरी आईडी. ओके योगेश को आईडी मिल गई है. ओके हाँ, तो ऐसा है कि आपको कोई भी डाउट आती है. ओके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट आती है तो जैसे हर वीकली टेस्ट होता है रिवीजन करते हैं, तो वहां से आप उस रिवीजन के टाइम पूछ सकते हैं. और आपको क्वेश्चन आंसर्स भी चाहिए होंगे, आप अपने ऐप में अच्छे से चेक करना, आपको सभी वहीं पे क्वेश्चन आंसर आपको अवेलेबल. ओके आपको सभी सब्जेक्ट्स के वहां पे मिलेंगे. ओके नेक्स्ट इज दिव्यांश. दिव्यांश
ओके आशिमा 1420 तब अंश का घंटा आशिमा यस सर यस सर आशिमा से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा आज ओके हाँ आशिमा आपके लिए क्वेश्चन है ओके आपने मुझे बताना है क्राइटेरिया फॉर बिकमिंग अ गवर्नर यस सर सर मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया सर मस्ट नॉट बी लेस देन 35 इयर्स ऑफ एज मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मस्ट नॉट बी अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर और यूनियन पार्लियामेंट ओके आशिमा ओके नेक्स्ट इज अक्षिता राणा यस सर हाँ अक्षिता राणा आपने मुझे बताने हैं ओके कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स में कौन कौन से पर्संस होते हैं यस सर ओके मींस क्वेश्चन इज स्टेट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कंप्राइजेस ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में कौन कौन से पर्संस होते हैं सर द चीफ मिनिस्टर एंड हिज एंड हर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द गवर्नर ओके चीफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड गवर्नर ओके हाँ नेक्स्ट इज ऐसा कोई स्टूडेंट जिसने अभी तक आंसर नहीं दिया दिव्यांश दिव्यांश ने आंसर नहीं किया अभी तक दिव्यांश दिव्यांश आई एम ऑडिबल टू यू ओके ओके सभी स्टूडेंट्स ने आज अच्छे से टेस्ट दे रहे हैं ओके मैक्सिमम जितने स्टूडेंट टेस्ट सभी ने टेस्ट देना कंपलसरी है सभी के लिए ओके यस सर और आपको कोई डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हैं ओके आपको जो आज के टेस्ट में जो क्वेश्चंस आएंगे आपको सभी एमसीक्यू क्वेश्चन ही आएंगे आपको सभी रिटन वाले क्वेश्चन ही आएंगे ओके आपको आई थिंक 4 या 5 क्वेश्चन होंगे और आपको सिर्फ 4 राइट ही करने हैं ओके आप अपनी नोटबुक पे आंसर्स राइट करके उसकी फोटो भी अपलोड कर सकते हैं ओके तो ऐसा नहीं है कि आपको फोन पे टाइप करना है हाँ क्या कह रहे हैं आप सर हम टाइप करके भी आंसर सेंड कर सकते हैं हाँ आप टाइप करके भी आंसर सेंड कर सकते हैं आप अपनी नोटबुक पे राइट करके आंसर भी सेंड कर सकते हैं ओके सिर्फ ऐप पे ऐसे व्हाट्सएप पे नहीं सेंड करना है ओके हाँ इस चैप्टर में कोई डाउट नहीं है किसी स्टूडेंट को ओके हाँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन ओके अब मुझे बताना है आपने फुल फॉर्म ऑफ एमपी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमपी जैसे हमने एमएलए की फुल फॉर्म की वैसे ही एमपी की फुल फॉर्म ओके व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमपी प्रत्युष तमंश का कंटेल यस सर प्रत्युष हाँ फुल फॉर्म ऑफ एमपी सर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओके नेक्स्ट इज रूहानी 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 आई एम ऑडिबल टू यू ओके योगेश यस सर हाँ योगेश व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएलए एंड एमपी सर अभी डिस्कस की हमने फुल फॉर्म ऑफ एमएलए एंड एमपी अभी बताइए पड़ती होगी लास्ट एरिया योगेश आपने अच्छे से आपने सुना नहीं आपने आंसर यस सर एमएलए हाँ यस
the MLA ki member of legislature, member of assembly and MP.